Hello friends, today I'm going to ask you one question. What is in your cup? आपके कप में क्या है? Imagine you are holding a cup of coffee and suddenly someone comes along and bumps into you or shakes your arm, making you spill your coffee everywhere. कोई अचानक से आया, आपने कॉफ़ी के कप को होल्ड किया हुआ है, कोई अचानक से आया, आपसे टकराया, आपको शेक किया, मतलब हिला दिया, झकझोर दिया, और आपके हाथ से जो कॉफ़ी थी वो इधर उधर बिखर गई, लाइक दिस. ओप्स, आउच. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू स्पिल योर कॉफी? क्यों बिखर गई आपकी कॉफी? यस, द ऑब्वियस आंसर इज बिकॉज समवन बम्प्ड इनटू मी, कोई मुझसे आकर टकरा गया. नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर. द करेक्ट आंसर इज You spilled the coffee because there was coffee in your cup. क्योंकि आपके कप में कॉफ़ी थी इसलिए कॉफ़ी बिखरी. अगर आपके कप में टी होती तो टी बिखर जाती. Had there been tea in your cup, you would have spilled tea. That means the conclusion is whatever is inside the cup is what will spill out. कहने का मतलब ये है जो भी कप में होगा वही बाहर आएगा. ओके, सो नाउ इमेजिन दिस कप इज लाइफ. ठीक है, जीवन रूपी इस कप को आपने संभाल के रखना है. कैसे? व्हेन लाइफ कम्स अलोंग एंड शेक्स यू, व्हिच विल हैपन, Whatever is inside you will spill out. अब लाइफ है, हम लोग सब लाइफ जी रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, कभी खुशी कभी गम. तो क्या जब गम आएगा या प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कि आनी लाजमी है, तो क्या जो आपके अंदर होगा वही तो बाहर आएगा? इट इज़ ईजी टू फेक इट, ये झुटला सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें झकझोर देती हैं और फिर हमारा रिएक्शन निकलता है. अब द क्वेश्चन इज, नाउ द क्वेश्चन इज, ये रिएक्शन कैसे निकले? द क्वेश्चन इज वी हैव टू आस्क आवर सेल्व्स, What is in my cup? मेरे कप में क्या है? मेरी लाइफ में मैंने क्या भरा हुआ है? When life gets tough, what spills over? जब मुसीबतें आती हैं मेरी लाइफ में, क्या निकल के आता है मेरे अंदर से? क्या एंगर, गुस्सा, बिटरनेस, कड़वाहट, हार्श वर्ड और कोई नेगेटिव रिएक्शंस? क्या जब मुसीबत आती है तो मैं ऐसे रिएक्ट करता हूँ, इनके ऐसे एक्सप्रेशन के साथ रिएक्ट करता हूँ या करती हूँ, एंगर, बिटरनेस, हार्श वर्ड और नेगेटिव रिएक्शंस के साथ? और मेरा पॉजिटिव रिएक्शंस भी हो सकते हैं. पॉजिटिव रिएक्शंस मींस जॉय, हैप्पीनेस, खुशी के साथ, ग्रेटफुलनेस, ग्रेटफुलनेस मीन्स थैंकफुलनेस, शांति से, पीस, ह्यूमिलिटी, दया से कैसे रिएक्ट करती हूँ मैं या करता हूँ? दोस्तों, लाइफ एक कप की तरह है. लाइफ ने हमें कप दिया है. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे भरेंगे. Life provides the cup. You choose how to fill it. Today, let's work
towards filling our cup with gratitude, forgiveness, joy, kindness, gentleness and love for others. दोस्तों सोचिए, जो भी इस वीडियो में दिखाया गया है सोचिए और अपनी जिंदगी रूपी कप को कृतज्ञता, माफ़ी, क्षमा, खुशी, दया, दयालुता और दूसरों के प्रति प्यार से भर दीजिए और देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा। सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या हम अपने लाइफ रूपी कप को इन सब चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से भरें जो चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाएं, क्योंकि हमें पता है वी कैन स्पिल पॉजिटिविटी, वी कैन स्पिल लव एंड पॉजिटिविटी एज ईजिली एज वी स्पिल हेट्रेड एंड नेगेटिविटी। सो थिंक इट ओवर दोस्तों, थिंक इट ओवर फ्रेंड्स एंड वेट फॉर माई अनदर मोटिवेशनल वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।